नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर जो पेपर देख रहे हो, ये बीए बीएससी का पार्ट थर्ड ईयर का पेपर है और ये पेपर आपका है मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स का पेपर है और ये पेपर आपका सेकंड पेपर है, यानी कि जिसको पेपर का नेम भी आप देख सकते हो, एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस का ये पेपर है। बाकी अगर इस पेपर को आप 2023 में भी देख रहे होंगे, 2024 में भी देख रहे होंगे और साथ में 2025 में भी, क्योंकि सभी स्टूडेंट ऐसे पेपर्स को देखते हैं और मुझे पता है। ठीक है, अब ये जो पेपर आपको मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि इनसे आपको जो एग्जाम में जो पैटर्न रहता है वो पैटर्न आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, पेपर का किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन कितने आते हैं, छोटे क्वेश्चन कितने आते हैं और जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है वो क्या क्या दी जाती है, वो सब कुछ यहाँ से पता लग जाएगा आपको इस पेपर से। ठीक है, पेपर इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना, सभी क्वेश्चन आपको मैं बोलकर बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं बिना देरी करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये थोड़ा पेपर है वो आपको एक तरीके से ब्लर दिखेगा क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल के बताऊँगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलूँ उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि रिसित क्षेत्र की परिभाषा आपको लिखनी है, यानी कि जो कर्मित क्षेत्र है उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है कि संबंध समुच्चय की आपको परिभाषा लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन है कि परिबंध दूरिक की आपको परिभाषा लिखनी है। जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि बाह्य बिंदु को आपको परिभाषित करना है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि कोशी अनुक्रम है उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। छठे नंबर का क्वेश्चन है कि कोल जारो कोयर स्ट्रेस प्रमुख लिखिए। ठीक है, सातवें नंबर का क्वेश्चन है कि समृक्ष फलन को आपको परिभाषित करना है। आठवें नंबर का क्वेश्चन है कि संयुग्मी प्रंशवादी फलन को आपको परिभाषित करना है। नाइन नंबर का क्वेश्चन है कि अनुकोण प्रतिचित्रण को आपको परिभाषित करना है। अनुकोण प्रतिचित्र को आपको परिभाषित करना है। दसवें नंबर का क्वेश्चन है कि द्विरेखिक रूपांतरण के निश्चर बिंदु को आपको परिभाषित करना है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है यानी खंड ब का कि किन्हीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या विद्यमान होती है, यह आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अथवा में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आप बता देता हूँ कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर संबंध समुच्चय है, यह आपको एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि मान लीजिए एक प्रतिचित्र डी आर गुणा आर इक्वल आर में, जैसे कि ये इक्वेशन यहाँ पर दी गई है डी एक्स वाई इक्वल वन एक्स माइनस वाई एल इक्वल, यहाँ पर नीचे देख सकते हो, यहाँ पर नीचे दी गई है वन प्लस वन एक्स माइनस वाई एल, यानी कि एल एक्स माइनस वाई एल। ठीक है, इसको परिभाषित करना है थोड़ा डी आर में एक दूरी का आपको ज्ञात करनी है। इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दूरी के समष्टि में प्रत्येक संवर्त गोलक व संवर्त समुच्चय है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि दूरिक समष्टि में प्रत्येक कोसी अनुक्रम परिबद्ध होती है, यह आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सहत समुच्चय के का ई एक अपरिमित उपसमुच्चय है तो ई का सीमा बिंदु के में क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है यदि एन वास्तविक है तो प्रदर्शित कीजिए कि आर एन जैसे दे रखा है कोस थीटा एन जीरो दे रखा है प्लस वन साइन थीटा दे रखा है, आर इक्वल के अतिरिक्त विश्लेषिक है तथा इसका अवकलन दे रखा है एन आर एन माइनस वन कोस एन माइनस वन जीरो प्लस आई साइन माइनस वन, ये यहाँ पर दे रखा है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि फलन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसका मूल बिंदु व विश्लेषिक नहीं है, यद्यपि मूल बिंदु पर कोसी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। सिक्स नंबर का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन आप खुद से देख लेना, ठीक है, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको खुद से देखने की कोशिश करना। अब बात करते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पर इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है कि रूपांतरण डब्लू बराबर एक वन अपोन जेड के अंतर्गत अनंत पट्टी वन अपोन फोर, मतलब कि इसके बाद में
एक तरीके से ग्रेटर देन यानी फोर देन वाई फोर देन वन अपॉन टू का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। सी ऑप्शन में देख सकते हो सातवें नंबर क्वेश्चन, यदि एक्स और वाई कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो तीन एक ऐसा धन पूर्णांक पाई इक्वल एन विद्यमान होता है। ये आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि आपको एन एक्स ग्रेटर देन वाई आपको एक्सप्लेन करके बताना है। आठवें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, किसी दूरिक समष्टि यानी कि एक्स डी के एक समुच्चय ए के लिए सिद्ध कीजिए। नवे नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि माना एक्स तथा वाई दो दूरिक समष्टि है, तब एक फलन एफ एक्स इक्वल वाई सतत है यदि और केवल यदि y में प्रत्येक विवर्त समुच्चय का प्रतिलोम प्रतिबिंब x में विवर्त है। यह आपको एक्सप्लेन करना है। दसवें नंबर क्वेश्चन है कि कोसी रीमान समीकरण, कोसी रीमान समीकरण के ध्रुवीय रूप का प्रूफ लिखना है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, यदि एफ जेड विश्लेषित है तो यह आपको सिद्ध करना है। तो ये मतलब कि एक तरह से इक्वेशन दी गई है, यह आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इस इक्वेशन को देख लेना है, ये पूरी जो भी है। ठीक है, इनके आंसर गूगल से मिल जाएंगे या अपनी नोटबुक से देख लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।